1930 के दशक में महिलाएं स्वयं आगे आईं तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं की भूमिका और भी सार्थक थी। दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं ने इस आंदोलन की जटिलताओं को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा हड़ताल के पूर्व ही एहतियातन कांग्रेस के नेता जेल में बंद कर दिए गए, तब उन्होंने महसूस किया कि इस बार बात की अलग जरूरत है कि गिरफ्तारी से कैसे बचा जाए। उनमें से कई आंदोलन के पूर्ण होने तक ऐसा करने में कामयाब भी हुई। महिलाओं ने पैम्फलेट तैयार करने से लेकर प्रतिबंधित साहित्य के वितरण, कांग्रेस रेडियो के प्रसारण तक जैसे कार्यों में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। ऊषा मेहता ने विट्ठल भाई झावेरी, बाबू भाई खांकर और राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर बंबई में एक स्वतंत्र रेडियो की स्थापना की थी, जिसमें 3 सितंबर 1942 से 12 नवंबर 1942 तक सफलतापूर्वक प्रसारण होता रहा। राष्ट्रीय आंदोलनों में जब महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया तो उस समय के दौरान उन महिलाओं को जेल भी जाना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन और उसके पूर्व सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं जेल भी गईं। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि इन गिरफ्तारियों में बहुधा उनका पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हुआ। हालांकि महिलाओं ने स्वयं ही जेल का एक अलग दुनिया की तरह था और वहां की दिनचर्या भी पारिवारिक व्यस्तता से नितांत और भिन्न थी। उन लोगों ने जेल में रहकर बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरीकों से देखा, परखा, निहारा। हालांकि उनको बहुत सारी अस्तता व्यस्तता हुई, उनके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल आईं। इसके बावजूद उन्होंने जेल में रहकर सिर्फ निगेटिव चीज़ें ही नहीं बल्कि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को भी देखा जो उनको शायद इससे पहले या फिर प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल पाती। उन्होंने सूत कातना, राष्ट्रभक्ति के गीत गाना, स्वयं को शिक्षित करना, इसके साथ साथ यहाँ पर उन्हें अन्य दूसरी भाषाओं का भी ज्ञान हुआ जो कि असंभव था, जिससे वे ऐसी महिलाओं से परस्पर बातचीत कर पाईं जिनसे शायद अन्य किसी दूसरे माध्यम से वे अपने जीवन में कभी भी नहीं मिल पाती। बहुत सारी मध्यम वर्ग की महिलाओं का अपने जीवन में पहली बार ऐसी आपराधिक महिलाओं से सामना हुआ जो कि कत्ल और अन्य गंभीर मामलों में सजाए काट रही थी। उन्होंने उनके साथ सहानुभूति और एक महिला की तरह व्यवहार करना सीखा। उन्होंने महसूस किया कि ये कत्ल पितृसत्तात्मक उत्पीड़न के प्रतिशोध में किए गए थे। एक शराबी पति की हत्या उसकी पत्नी ने डंडे से पीट कर कर दी थी, जो कि वर्षों के उत्पीड़न और अपमान को चुपचाप सहते आई थी। ऐसी महिलाएं राजनीतिक कैदियों को एक कौतूहल और बहुत कुछ ईर्ष्या भाव से देखती थी। उन्हें मालूम था कि राजनीतिक महिलाएं वहां पर बहुत कम समय के लिए लाई गई हैं और वे 1-2 वर्ष के बाद अपने सामान्य जीवन में वापस लौट जाएंगी। उनका परिवार उनके स्वागत के लिए पलक बिछाए खड़ा होगा, जबकि उनका अपना जीवन सदा के लिए अभिशप्त हो चुका है। अगर उनकी सजा पूरी भी हो जाए तो एक खूनी औरत को कौन अपने घर में वापस स्वीकार करेगा। इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं ने जेल का सफ़र तय किया और न जाने कितनी चीज़ें अपने जीवन में सीखी उतारी और उन आपराधिक महिलाओं के जीवन में भी बहुत सारी बदलाव की प्रक्रियाएं देखने को मिली। इस तरह से हमारे देश की महिलाओं ने आज़ादी में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।